ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਯਾਤਰਾ ਕੌਣ ਹੈ एनीवेज ये जड़ बुद्धि तो शायद ये सोच भी नहीं पाएंगे, इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, पर मैं आपसे एक बात जरूर बताता हूँ कि ये करते क्यों हैं ऐसा, इनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है पीपो पे। आज हम बात करेंगे कुछ धूर्तों की, ऐसे धूर्त हु आर मेकिंग माय ब्लड बॉइल। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और गेस करो ये धूर्त हैं कौन? दिल्ली जो दिलवालों की है, दिल्ली जहाँ राजघाट है, दिल्ली जहाँ पार्लियामेंट हाउस है, दिल्ली जहाँ इंडिया गेट है, दिल्ली जहाँ शांति घाट है, वहाँ अशांति मचा रहे हैं, वहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं। दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ सुरक्षा बेहतरीन होनी चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वहाँ भी ये धूर्त, ये इंस्टा रील मेकर्स, इनको लगता है कि इन्होंने सड़कों पे कब्जा किया हुआ है। गुंडागर्दी के नाम पे इनको लगता है ये अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि इनको समझ नहीं आता कि अपनी कम्युनिटी, अपनी बिरादरी को ही बदनाम कर रहे हैं। साहब कुछ लड़कों को रोका हुआ है टैक्सी ला चौक पर, इनके पास 125 है और पेपर वगैरह कुछ नहीं इनके पास, ये आपका नाम ले रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, इनकी सोच इतनी निचली है कि लॉ ब्रेक करना, लोगों को गालियां देना, सड़कें जैम करना, इनको एटीट्यूड दिखता है, इसमें उनको स्वैग नजर आता। ना ना बेटे, बदमाशी बात नहीं, बड़ी मैं फिल्मा जुड़वा देंगे, और छोटे कड़े टकराव है, लिंक किसी जगह है, फोन फोन तो पड़वा देंगे। पर ये लोग भूल जाते हैं कि इन सब कामों को करके लोग उन पे पीछे से हंसते हैं, उनका मुखौल उड़ाते हैं। कौन है? इनसे कोई स्वैग एटीट्यूड नहीं दिखता। हाँ कुछ लोगों को हो सकता लगे, पर वो शायद ऊपरी मले से पैदल होते हैं। ऐसा एटीट्यूड वही दिखा सकता है जिसमें शायद कोई काबिलियत नहीं है, शायद कुछ अचीव नहीं किया। इन लोगों को ऐसा है बस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इनके पास शायद कुछ और करने के लिए नहीं है, क्योंकि शायद ये अपने कुएं से कभी निकले नहीं है। सुसंगति क्या होती है, शिष्टाचार क्या होता है, शायद इनको कोई अनुमान ही नहीं है। वर्ल्ड का कोई एक्सपोजर नहीं है, कल्चर्स का कोई एक्सपोजर नहीं है। इंडिया में रहते हैं पर हमारी संस्कृति क्या हमें सिखाती है, शिष्टाचार सिखाती है, उनके शायद पल्ले कभी पड़ा ही नहीं। जहां ये रील्स बना के अपना स्वैग का प्रदर्शन करते हैं, वहां इनको शायद ये नहीं समझ में आता कि वहां जहां रील्स बना रहे हैं वहां गाड़ियों में लोग इनको गवार, जाहिल, लनपढ़ और ना जाने क्या क्या, स्टूपिड, इडियट, ना जाने क्या क्या बोल के जा रहे होते हैं। तो मैं औकात पे आ गया तो आसमान ओ यात्रा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नी यात्रा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नी। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे सर। हां होइया जदों हुण वार दाता बल्लीए, नंगण कमाटा विच राता बल्लीए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर दिल वाले पुछदे ने चा। एंड देन Some people have the audacity to say कि education is not important. Education important नहीं होती, mathematics important नहीं होती, जबकि वो भूल जाते हैं कि it's not about the subject. Real education is not about a subject and your academical grades or marks. The real education is when you understand the concept deep down. आप हर एक concept को कहीं ना कहीं life में apply कर सकते हो। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ABC नहीं पढ़ोगे, क ख घ नहीं समझोगे, तो बोलोगे कैसे? जब्बा ऐसे ही अगर आप एकेडमिकल नॉलेज, फाउंडेशनल नॉलेज नहीं समझोगे, नहीं सीखोगे, तो आपको पता कैसा चलेगा कि आपको यहां जाना है या वहां जाना है? बिकॉज दिस इज ओनली अ गेट वे जहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लाइफ में आगे करना क्या, और जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आप उसमें सब कुछ करो, आप छोड़ दो वो बाकी सब चीजें, बट फाउंडेशन फॉर दैट मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या चीज कब अप्लाई आपको करनी पड़े या आप करना चाहो। बट ऐसे लोगों के साथ डिबेट करने का भी कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज शायद दे हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट एकेडमिक्स एंड बुक्स। एजुकेशन है रियल में सेनेटी, रियल में सेनेटी तब आती है जब आप अवेयर होते हो। किसी भी गुरुकुल में, हमारी परंपरा में हमें सारे ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो ग्रंथ हमें कहीं पढ़ने हैं, वो मंत्र हमें कहीं पढ़ने हैं, क्योंकि उससे हमारी इनर वॉइस स्ट्रांग होती है, जो कि हमें हर मौके पे कुछ भी गलत काम करने से रोकती है, हमें बताती है कि क्या किस चीज पे करना सही है, क्या है व्यवहारिकता और क्या नहीं है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा कहाँ है, पर बात आज वो नहीं है, बात है इन इंस्टा रील मेकर्स की, जिन्होंने दिल्ली को एक सर्कस बना के रख दिया। तेरे काम के थाने में यमराज अवतरित हो रहा से यो देसी सिंपल बाने में, खौफ नाम की चीज नहीं रे गुजर जाट घराने में, यमराज अवतरित हो रहा से। अरे भाइयों और बहनों, मेरे प्रियजनों, इन जड़ बुद्धियों को थोड़ा बोलो कि अपनी जड़ बुद्धि को थोड़ा कष्ट उठाने का मौका दें। हम सबको हंसना पसंद है, हम सबको थोड़ा थ्रिल अच्छा लगता है, पर किस कॉस्ट पे? लॉ ब्रेक करके। इन जड़ बुद्धियों से कभी ये पूछो कि क्या इनको पता, जब ये ट्रैफिक रोक रहे होते हैं, जब ये जैम क्रिएट कर रहे होते हैं अपने कंटेंट के लिए और अपना स्वैग और एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं, शायद कोई इमरजेंसी में उस रोड पे फंसा हुआ हो सकता है, या किसी को कहीं जाने की बहुत जल्दी हो सकती है।
क्या हॉर्न बजाने से गाड़ी आगे जाएगी क्या? चलना। और इस तरह की करतूतें कोई जानवर बुद्धि या जड़ बुद्धि ही कर सकता है। Stop it. Get some help. क्योंकि अगर आप किसी की इमरजेंसी के लिए सेंसिटिव ही नहीं है और बस अपने कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए सेंसिटिव हैं, तो आपका तो कुछ हो नहीं सकता। और पुलिस प्रशासन से भी कोई क्या एक्सपेक्ट करे, आधे से ज्यादा ये लोग करप्ट होते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, सो ऑब्वियसली इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। पर इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन पर अकाउंटेबिलिटी तो डाली जा सकती है, इन पर प्रेशर तो डाला जा सकता है। जब भी ऐसे वीडियोस देखते हो तो इनसे शेयर करके आप बोल सकते हो आप क्या करना चाहोगे, क्या अपना काम करोगे या सड़कों पर टहलते रहोगे। अरे जड़ बुद्धियों, थोड़ा सोच के बताओ कि कुछ सेकंड्स के वायरल फेम के लिए क्या किसी की जिंदगी को दांव पे लगाना, ये किसी का मुखौल उड़ाना, किसी को गाली देना क्या सही है? जीना है शेर की ढाल, जियो नि जंगल में रब होते हैं। पर एनीवेज, ये जड़ बुद्धि तो शायद ये सोच भी नहीं पाएंगे, इसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, पर मैं आपसे एक बात जरूर बताता हूँ कि ये करते क्यों ऐसा, इनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कोई इनको शाबाशी दें, इनके पेरेंट्स इनको शाबाशी दें या इनके फ्रेंड्स इन पर नाज करें, और इसलिए दे क्रेव फॉर सेल्फ वैलिडेशन। द रूट कॉज इज दैट दे क्रेव फॉर सेल्फ वैलिडेशन। और इनको ऐसा सब कुछ करके जब थोड़े से कॉमेंट्स में अटेंशन मिलती है तो इनको सेल्फ वैलिडेशन फील होती है, रूट कॉज ये है, इसलिए ये ऐसा करते हैं बस लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए नहीं, दे क्रेव फॉर सेल्फ वैलिडेशन। बट लेट मी टेल यू जड़ बुद्धियों, इस सेल्फ वैलिडेशन का कोई बेस नहीं है। रियलिटी चेक ये है कि जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना कभी, तो लोग आपके हंस रहे होंगे, आपको मुखौली उड़ा रहे होंगे। कौन है? क्यों है? ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इस तरह के लाइक्स और फॉलोअर्स पाके मुझे नहीं लगता कोई भी आप पे प्राउड हो सकता है। तो मैं अब अपनी कम्युनिटी से कुछ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको टैकल कुछ इनोवेटिव ढंग से करें। जब भी ऐसे वीडियोस देखें तो डबल टैप और शेयर करने के बजाय कमेंट जरूर करें, इग्नोर भी ना करें, कमेंट जरूर करें, और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करें जो मॉकिंग ना हो, जो ट्रोलिंग ना हो, जो अब्यूजिव ना हो, वो ऐसा जिससे इनको रियलिटी चेक मिले, जैसे दिस वॉज एक्चुअली स्टूपिड, दिस वॉज एक्चुअली नॉट फनी, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, नॉनसेंस, इररिस्पॉन्सिबल, डेंजरस, फूलिश, और ये वर्ड्स यूज करके आप इनको रियलिटी चेक दे सकते हो या दिल्ली पुलिस को ट्विटर पर टैग कर सकते हो, जैसा मेरे भाई मधुर ने किया, अप्लॉडेबल, अप्रिशिएटेड। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आगे बढ़ाएं जो एक्चुअली इन्फ्लुएंस करने लायक हैं, और कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को जस्ट रियलिटी चेक दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जहाँ बहुत सारी तादाद ऐसी है जो ऐसे झल्लों को एक्चुअली में सपोर्ट करती है, तो ऐसे लोगों की भी तादाद होनी चाहिए जो इन झल्लों को स्टूपिड बोले। और अपनी कम्युनिटी का नाम बढ़ाना है तो भाई साहब ऐसा कुछ करो कि आपकी बिरादरी के बड़ों की छाती फूल जाए, सीना फूल जाए, ना कि वो चेहरा छुपाते फिरे कि भाई मैं नहीं जानता इसको। दिल्ली वालों, उस समय आ गया है अपनी दिल्ली की सड़कों की गंदगी साफ करने का, और वो इसी तरह हो सकती है। जब भी ऐसा वीडियो देखो या ऐसे वीडियो आपके सामने आए, तो ट्विटर पे आप मुझे टैग करके दिल्ली पुलिस को टैग कर सकते हो, एंड आई विल मेक श्योर कि खाकी वाले काम करें, ऐसे लोगों की अच्छी खासी क्लास लें, दैट आई विल मेक श्योर। रिमेंबर, जो थ्रिल सही के लिए आवाज उठाने में ना, वो इन चीप स्टंट्स में बिल्कुल नहीं है। सो स्टे सेफ, स्टे रिस्पॉन्सिबल, एंड जय हिंद। आप देख रहे थे पीपल, मैं हूं आकाश। अब कुछ नहीं छुपेगा।